प्यारे दर्शकों, यूनिक समाचार में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका में रहने वाले एक साइबर एक्सपर्ट सैयद सूजा ने दावा किया है कि भारत में 2014 के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक की गई थी। सूजा उस टीम के सदस्य रहे हैं जिन्होंने भारत की ईवीएम को डिजाइन किया था। सूजा ने इस बाबत सोमवार को लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और ईवीएम हैकिंग से जुड़ी कई बातें रखी। सैयद सूजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी। लंदन में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। साइबर एक्सपर्ट सूजा ने दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। सूजा ने एक चौंकाने वाला दावा यह किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हत्या हुई थी, न कि दुर्घटना, क्योंकि उन्हें ईवीएम हैकिंग की जानकारी थी। सूजा ने आरोप लगाया है कि टेलीकॉम कंपनी रिलायंस ने बीजेपी को हैकिंग में मदद की। साइबर एक्सपर्ट सूजा का दावा है कि गौरी लंकेश की भी हत्या हुई क्योंकि वे ईवीएम हैकिंग पर खबर छापने वाली थी। सूजा ने बीजेपी के अलावा कई पार्टियों को घेरा है और कहा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी ईवीएम हैकिंग में शामिल हैं। सैयद सूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी ने उनसे मुलाकात कर ईवीएम हैकिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने यह मांग ठुकरा दी। रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में सूजा ने कहा कि इस कंपनी के पास डेटा ट्रांसमिट के लिए नेटवर्क है और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है। सूजा के मुताबिक हिंदुस्तान में 9 सेंटर ऐसे हैं जहां से डेटा ट्रांसमिट होते हैं। कर्मचारियों को पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें यही पता होता है कि वे डेटा एंट्री कर रहे हैं। सूजा का दावा है कि बीजेपी के लोगों को अगर भनक नहीं लगी होती तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी आसानी से जीत जाती। उसने कहा कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में डेटा ट्रांसमिशन को रोक दिया गया, तभी आप पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत गई, अन्यथा बीजेपी सभी सीटें जीत ले जाती। सूजा का कहना है कि कई पार्टियों ने उनसे संपर्क कर जानने की कोशिश की कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इन पार्टियों में सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी भी शामिल हैं। सूजा के मुताबिक सपा बसपा हमसे मिले और जानना चाहा कि हैकिंग में क्या कुछ हो सकता है। हमने कांग्रेस से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिलाया। आम आदमी पार्टी हैक का तरीका जानना चाहती थी क्योंकि उसे दुनिया को ईवीएम हैक कर दिखाना था। सूजा ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्हें हैकिंग की जानकारी थी। सूजा ने कहा एनआईए अधिकारी तंजील अहमद मुंडे की मौत को हत्या बताते हुए एफआईआर दाखिल करने वाले थे, लेकिन उन्होंने खुदकुशी कर ली। सूजा का दावा है कि उनकी टीम हैकिंग को लेकर बीजेपी के नेताओं से हैदराबाद में मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम ईवीएम के बारे में जो जानते हैं उसे लेकर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। सूजा ने दावा किया कि जब उनकी टीम बीजेपी नेताओं से हैदराबाद के एक उपनगरीय इलाके में मिलने जा रही थी, उनकी टीम पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन वे बच गए। सूजा ने यह भी कहा कि इस गोलीबारी को ढकने के लिए हैदराबाद के किशनगढ़ में एक सांप्रदायिक दंगा भी कराया गया। उनका जो साथी मारा गया उसे दिखा दिया गया कि लोगों ने उसकी हत्या की है। धन्यवाद।